राम भाई सभी को। तो मैं आ चुका हूँ अपने गांव, और अभी मौसम चल रहा है फसल कटाई का, तो इसीलिए हम भी आ गए अपने गांव। लेकिन यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो जो मेरा पहले का स्टडी रूम और टेबल की हालत तो कुछ ऐसी हो रखी थी, तो मैंने सोचा इसे ही साफ़ कर लिया जाए और यहीं पढ़ाई का माहौल बना लिया जाए, तो यहाँ पढ़ाई हो पाएगी। अपन जितना अच्छा स्वच्छ रूम रखते हैं, टेबल रखते हैं, अपनी पढ़ाई भी उतनी अच्छे से हो पाती है। मैं कुछ दिनों के लिए अभी शहर चला गया था, वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पा रही थी, माहौल भी अच्छा था। यहाँ जब मैं पहले पढ़ता था तो मैंने ऐसा रूम बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, मैप वगैरह लगा रखे थे, टेबल वगैरह बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा था। आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा। लेकिन अभी बहुत दिन बाद लौटा तो यहाँ कुछ हालत ऐसी बिगड़ी हुई थी, सारी किताबों पर भी धूल जम चुकी थी और टेबल पर भी सामान वगैरह पटक दिया था घर वालों ने। फिर मैंने सारा सामान धीरे धीरे यहाँ से हटाया और उसे अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करी। देखते हैं पहले जैसा रूम हो जाएगा तो पढ़ाई भी अच्छे से यहाँ भी हो पाएगी। अभी क्या है, काम ज़्यादा आ गया है तो कुछ घर वालों के काम में भी हाथ बटा लेंगे और टाइम मिलेगा उसमें पढ़ाई कर लेंगे। मैं लाया बढ़िया अच्छा सा देसी झाड़ू और उसी से करी यहाँ की सारी साफ़ सफाई। उस झाड़ू से मार मार के सारी धूल निकाल दी मैंने। टेबल पर भी बहुत सारी धूल जमी हुई थी, किताबों पर तो पूछो ही मत, लेकिन मैंने सारा झाड़ू से निकाल दिया और रूम में भी बहुत सारा कचरा हो रहा। घर कच्चा होने की वजह से धूल और कचरे की तो कमी नहीं रहती, ऐसे ही उड़ के बहुत सारा आ जाता है, रोज़ साफ़ करो भले। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब थी तो मैंने सोचा आज इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने सारा रूम साफ़ कर लिया और टेबल वगैरह पहले जैसी जमा दी और सारी बुक्स को भी पहले जैसा जमा दिया। रूम और स्टडी टेबल साफ़ हो गया तो अब पढ़ने में भी अच्छा मन लगेगा। जितनी अच्छी साफ़ सफाई रहती है उतना ही पढ़ने में भी मन लगता है। सारी चीज़ें मैंने जमा दी और यहाँ लाइट की भी समस्या रहती है, उसीलिए मैं एक लैंप भी लेकर आया था कि बिजली चली जाए तो भी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, और मेरा लैपटॉप भी साथ ले आया था। मैंने सारा रूम बिल्कुल पहले जैसा लगभग क्लीन कर लिया है और अब अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी। तो बताइएगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।